हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गाइस आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। वैसे तो इसकी बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आगे भी हम इसमें जितने मेरे पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स है वो सब मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 80 मार्क्स का पेपर है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिला हुआ है। इसमें से फर्स्ट जो सेक्शन ए है जिसमें शॉर्ट नोट करना था वो मैंने करवा दिया है। सेकंड यूनिट 1 भी मैंने इसकी कंप्लीट करवा दी है दोनों क्वेश्चंस के साथ में। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से। यूनिट 2 के ये 2 क्वेश्चंस आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से यूनिट 2 के। सो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, गिव एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस फॉर टीचर्स। व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं की शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितों का वर्णन कीजिए। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें हम पहले करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। और इस क्वेश्चन के लिए आपको पेज नंबर 99, 100 और 101, 102 ये 4 पेज पे इसका आंसर आपको मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ये मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जो कि हर किसी की लाइफ में पाया जाता है। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे फिज़िकल, मेंटल, इमोशनली हम सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और यही चीज़ें जो होती हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से, लाइक किसी की फ़िज़िकल कंडीशन अलग है, किसी का मेंटल लेवल अलग है, किसी का इमोशनल लेवल अलग है, इन्हीं से हमारे अंदर जो डिफरेंसेस हैं, डिसिमिलैरिटीज़ हैं वो आती हैं। अदरवाइज़ अगर ह्यूमंस की बात करें तो सब एक जैसे होने चाहिए थे, लेकिन हमारे सबका थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, बिहेवियर, ये सब की वजह से हमारे अंदर डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कौन कौन से फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें पहली चीज़ आती है हमारी हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जीन्स के थ्रू आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपकी आईज़ हैं, आपके हेयर का कलर है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको अपने पेरेंट्स से मिली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो बर्थ है, कैट है वो हमेशा एक किटन को बर्थ देगी, काओ हमेशा काफ को बर्थ देगी। इसके अलावा ह्यूमंस में जो बर्थ है वो आपने पढ़े हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारी हेरिडिटी में आती हैं। ये चीज़ें गाइस मैं आपको ना डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी सिर्फ मैं ऊपर से दिखा रही हूँ। आप मेरी पहले वाली वीडियोज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा हेरिडिटी जो है ना वो बच्चे का सेक्स डिफाइन करती है कि वो मेल होगा, फीमेल होगा। इसके अलावा जो बर्थ ऑफ ट्विन्स होता है उसमें भी हेरिडिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारा सेकंड फैक्टर आता है, वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हमारा फिज़िकल, सोशल, नेचुरल और एजुकेशनल कंडीशन जो है वो डिफाइन होती हैं। इसके अंदर जैसे जो फिज़िकल फोर्स है उसमें आपने देखा होगा आपका जो ग्रुप है, जैसा फ्रेंड सर्कल है, आप उसके जैसे ही ऑटोमेटिकली होने लग जाते हैं। उनका जो खाने का तरीका है वो आपके अंदर आने लग जाता है, हाई लेवल ऑफ हाइजीन हो गया या बात करने का तरीका है। तो जैसे लोगों के साथ में आप रहते हैं वही चीज़ें आपके बिहेवियर में शो होने लग जाती हैं। सो ये हमारे जो हैं ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हमारे जो ब्लड है उसके साथ साथ में आसपास का जो सराउंडिंग है वो भी मैटर करता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि मैच्योरिटी। मैच्योरिटी जो है वो एज के साथ में इंक्रीज़ होती है। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेज होते हैं, एज लेवल के साथ में जो मैच्योरिटी है वो आती है। जैसे कि जब आपके लेवल ऑफ मैच्योरिटी बहुत कम होता है तो छोटी छोटी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं, अननेसेसरी गुस्सा होना, शॉर्ट टेम्पर्ड आप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब आपका लेवल ऑफ मैच्योरिटी बढ़ जाता है तो आप एक चीज़ देखते हैं कि एक टाइम के बाद आपके अंदर बहुत ठहराव आ जाता है, आप चीज़ों पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं और चीज़ें आप बहुत ही लाइटली लेने लग जाते हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा एज। जो एज है ना वो किसी भी पर्सनालिटी में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट करती है। जैसे जैसे एज होती है, लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम पे उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है, नॉलेज इंक्रीज करने की टेंडेंसी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है यंगस्टर्स में। बट एक टाइम के बाद में आपकी कुछ भी नया सीखने की जो कैपेसिटी है वो और क्यूरियोसिटी दोनों ही ख़त्म हो जाती है। जितना होता है, जो होता है, आप उसमें ही खुद को सेटिस्फाई करने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी पावर। क्रिएटिविटी पावर का मतलब होता है जब आप अपना कोई काम इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करने लग जाते हैं। किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले आप अपने एनवायरनमेंट, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस, इन चीज़ों पे आप वर्क करने लग जाते हैं या फिर एक लाइफस्टाइल को आप अडॉप्ट कर लेते हैं। ये चीज़ें हमारी क्रिएटिव पावर के अंदर आती हैं। ऐसे करके आप लोगों को ना बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप पहले की वीडियोस में प्लीज़ देख लीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत सारे पेपर्स ऐसे हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कास्ट, रेस, कल्चर और नेशन के ऊपर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा सेक्स, जिसमें जो गर्ल्स होती हैं उनको बॉयज़ के कंपेरिजन में मेच्योर ज़्यादा मान लिया जाता है एक टाइम से पहले। 15 to 16 ईयर्स की एज में वुमेन वुड जो है वो डेवलप होने लग जाता है, और जो बॉयज़ होते हैं वो प्रोफेशन को चूज़ करने के सेंस में अगर बात करें तो वो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, ज़्यादा कीन होते हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में। और जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वो सेक्स के बेसिस में वो भी हमें दिख जाता है। इसके अलावा पॉवर्टी जो है, जैसे आपके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़्यादा आपको लैकनेस ऑफ फैसिलिटीज़ होती हैं, तो आप उनको अर्ज करने के लिए ज़्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं। ड्रेसेज हैं, लग्जरीज हैं, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करके जो आप अपनी फैसिलिटीज़ जो आपको नहीं मिल रही हैं उनको छोड़ के आप आगे बढ़ना और फिर उन फैसिलिटीज़ के लिए आपको जाना, तो ये चीज़ें होती हैं। कई बार इसमें जैसे आपको अगर आपके फ्रेंड सर्कल के कंपैरिजन में कम फैसिलिटीज़, कम लग्जरी लाइफ मिलती है तो आप उसमें कई बार काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो ये सब पॉइंट्स आपके पॉवर्टी में आते हैं। स्कूल एनवायरनमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम हमारा मोस्टली टाइम स्कूल में स्पेंड करते हैं, जहाँ से हम नई नई चीज़ें सीखते हैं और हम बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं, सोसाइटी कल्चर के बारे में हम वहाँ से जानते हैं। सो ये शॉर्ट में पॉइंट्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं जो मैंने अभी पीछे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिखाई, जैसे फर्स्ट है हेरिडिटी, सेकंड एनवायरनमेंट, थर्ड मैच्योरिटी, फोर्थ एज, फिर क्रिएटिव पावर, कास्ट, रेस, कल्चर, नेशन, सेक्स, पॉवर्टी, स्कूल एनवायरनमेंट। तो ये सब पॉइंट्स को गाइज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए आगे इसका क्वेश्चन का आंसर है हमारा, आपको कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बताने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के फॉर टीचर्स। सॉरी, पेज नंबर 109 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंसेस दे रखे हैं जो ये भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या 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 डिफरेंसेस जो आ सकते हैं यहाँ पे पॉइंट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। फर्स्ट आता है एवरी टीचर शुड एक्वायर थ्रू नॉलेज एबिलिटीज़ कैपेसिटी। जैसे हर किसी चिल्ड्रन की, हर किसी स्टूडेंट की एक अपनी एबिलिटी होती है, एक अपनी स्किल होती है, उसको एनहेंस करना, उसको आइडेंटिफाई करके एनहेंस करना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसके अलावा जो बच्चे की कैपेसिटी है उसको मैक्स टू मैक्स उसका यूज़ किया जाना, उसको मैक्स टू मैक्स बढ़ाना जिससे कि बच्चा उसमें कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। इसके अलावा जो हर एक स्टूडेंट ना करिकुलम एक्टिविटीज़ में या फिर एकेडमिक्स में सिमिलर नहीं होते, तो उनको आइडेंटिफाई करना कि कुछ बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कुछ अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ में अच्छे हैं, सो उनको आइडेंटिफाई करके बूस्ट करना, ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसमें कुछ और पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे टीचिंग मेथड को सेलेक्ट करना, हर बच्चे का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो अलग अलग होता है, सबका सीखने का और याद रखने का तरीका अलग होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करना कि क्या उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्या वो चीज़ कर सकते हैं, क्या वो सीख सकते हैं, ये सब पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा जो करिकुलम है उसको एडजस्ट करना, फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, फिक्स्ड और रिजिड नहीं हो जाना चाहिए, स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। टीचर्स की जो एडजस्टमेंट है वो भी इसमें बहुत मैटर करती है। इंडिविजुअल अटेंशन, जैसे कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लैक होते हैं, पीछे रह जाते हैं, उनमें का जो लेवल होता है पढ़ने का वो काफ़ी वीकनेस होती है, वो अदर एक्टिविटीज़ में बहुत बेस्ट होते हैं, उनको देर से समझ आता है, तो उन चीज़ों पर, उन सेक्टर्स पर एक टीचर अपना अलग से रोल प्ले करके एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे कुछ इम्प्लीकेशंस दे रखे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के एजुकेशन में, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे टीचिंग मेथड को सेलेक्ट करना, स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करना, करिकुलम को एडजस्ट करना, टीचर्स के एडजस्टमेंट, इंडिविजुअल अटेंशन, सर्विसेज को गाइड करना या फिर जो अदर यूज़फुल टिप्स हैं, तो गाइज ये पॉइंट्स आप यहाँ पर याद रख सकते हैं।
इसके बाद में देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय प्ले, एक्सप्लेन लिंकेज ऑफ प्ले विद सोशल इमोशनल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। तो पहले तो आपको डिफाइन करना है कि प्ले क्या होता है, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 248 पे। सो पहले आपको प्ले को डिफाइन करना है, उसके बाद में हम इसके सेकंड पार्ट का आंसर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्ले है। प्ले क्या होता है, एक रेंज ऑफ वॉलंटरी इंटर्निंग मोटिवेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिक्रिएशनल प्लेजर से एसोसिएट होती हैं। जैसे खेल के क्या है, आपको खुशी मिलती है, एंजॉयमेंट है, बच्चा बहुत स्ट्रेस है वो बाहर खेलने चला जाए या उसने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर ली, तो ये क्या है, एक प्ले का पार्ट होता है। सो जो प्ले है कॉमनली एसोसिएट होता है बच्चों से और जोवेनियन लेवल एक्टिविटीज़ से, जिसमें अलग अलग लाइफ स्टेजेस होती हैं और अलग अलग तरीके की प्लेइंग एक्टिविटीज़ होती हैं। प्ले जो है वो रिलैक्स होने के लिए, फ्री स्पिरिट होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए और रिलैक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई गेम ऐसा आप खेल रहे हैं जिससे आपको स्ट्रेस मिल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। प्ले जो है वो एक पास टाइम एक्टिविटी नहीं है, इससे आपका पोटेंशियल बढ़ता है, आपके अंदर जो न्यूमरस एक्टिविटीज़ हैं, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं, आपकी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो बढ़ती रहती है। इसके अलावा आपकी जो फिज़िकल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करते हैं प्ले, लाइक जो आपकी हाइट है, देखा होगा आपने जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो आपकी बॉडी का पूरा कॉग्निटिव और जो सोशल डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो पाता है किसी भी प्ले गेम के थ्रू। यहाँ पे अलग अलग थिंकर्स के नाम दे रखे हैं जिन्होंने प्ले को डिफाइन किया है। सो एक जैसे ये है, प्ले कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी इन विच पर्सन इंगेज व्हेन ही इज़ फ्री टू डू व्हाट ही वांट्स टू। जब आप फ्री हों, आप अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी से फ्री हो के जो आप काम करना चाहते हो उसमें आप बिजी हैं, तो वो आपके लिए गेम हो गई। ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, किसी को इनडोर गेम पसंद है, किसी को आउटडोर गेम पसंद है। इसके अलावा ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड को प्रमोट करता है, अलग अलग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में हेल्प करता है, आपकी जो डेवलपमेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको बढ़ाता है। इसके थ्रू गेम्स के थ्रू जैसे छोटे बच्चों को गेम्स दी जाती है जिससे वो शेप्स, कलर्स, कॉजेस, अफेक्ट्स इनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, उनको जो कम्युनिकेटिंग वे होता है खुशी का, डर का, उदासी का, परेशानी का, तो इन सब चीज़ों को आप प्ले के थ्रू डायरेक्टली एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो ये पॉइंट्स आपको यहाँ से लिखने हैं। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास में क्वेश्चन का, एक्सप्लेन लिंकेज ऑफ प्ले विद सोशल इमोशनल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे प्ले को आपको रिलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं 256 पेज नंबर पे। मिनट, एक मिनट, ये रहा। यहाँ पे देखिए जो प्ले है वो किस तरीके से रोल प्ले करता है। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपका कुछ भी चीज़ों को डेवलप करने का आपका जो रिमेंबरिंग प्रोसेस है, रूल्स हैं, थॉट प्रोसेस हैं, तो वो चीज़ें बढ़ती हैं आपके कुछ भी गेम्स खेलने से। आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं या फिर चीज़ों को जानना, एक्सप्लोर करना, ये क्वालिटीज़ आपकी बढ़ती हैं। सेकेंड है फिज़िकल डेवलपमेंट, बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, और जो प्ले है, जो फिज़िकल फंक्शन होता है वो उसकी हेल्प से जो बच्चे हैं ना उनकी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है, बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्टैमिना बढ़ता है, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी फिज़िकल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प प्ले करती हैं। इसके अलावा ब्रेन एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों को हेल्प करती हैं, और ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे क्रॉल करना, पैरों के बल चलना, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये सब जो है मसल ग्रुप इसमें इंक्लूड होता है, तो ये जो हमारे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है इसकी थ्रू वो डेवलप होता है। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट जो है, हम प्ले से, गेम से हम सीखते हैं रूल शेयरिंग करना, कोऑपरेट करना, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारे अंदर आती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। सो ये पॉइंट्स हमारे सोशल डेवलपमेंट में आते हैं। इसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट भी हम लोग प्ले से खेलते हैं, सीखते हैं, जैसे एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए हमारी फीलिंग्स आना, और ये सब पॉइंट्स हमारे प्ले में आते हैं। इसके अलावा मोटर डेवलपमेंट होती है जिसके अंदर आपके प्ले के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, लेसिंग गेम्स होती हैं, और ये सब पॉइंट्स जो हैं, या फिर साइकिल चलाना, या फिर जो जंपिंग गेम्स होती हैं, मोटरसाइकिल्स, बैलेंस को कोऑर्डिनेट करना, स्ट्रेंथ बढ़ाना, तो ये सब पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। प्ले से सेल्फ रेगुलेशन आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। इसके अलावा जो हमारी क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बढ़ती है, जैसे आप ब्लॉक्स खेलते हैं या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ब्रेन पावर होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। रिलेशनशिप्स को इंक्रीज़ करने में ये प्ले जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
सो ये पॉइंट्स आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो फंक्शंस हैं या जो इंपॉर्टेंस है रोल के प्ले के वो क्या क्या हैं, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रिएटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्ले हेल्प्स विद रिलेशनशिप। तो ये पॉइंट गाइज आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जो फंक्शंस है प्ले के यहाँ पे आपको दे रखे हैं, आप चाहें तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं। और इसके साथ में ये हमारी दोनों यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 3 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।